हेलो गाइस, वेलकम बैक टू दिस चैनल। मैं हूं अमृता और आज हम बात करने वाले हैं वंडर वुमन के बारे में, जो 2017 में रिलीज हुई थी। वंडर वुमन एक कैरेक्टर डीसी से बिलोंग करता है और थ्रू आउट द इयर्स कई सारे चेंजेस इस कैरेक्टर में, चाहे वो अपीयरेंस हो या अलग अलग थीम में हो, काफी चेंजेस आए हुए हैं। वंडर वुमन की मूवी तो 2017 में रिलीज हुई थी, बट उनका फर्स्ट अपीयरेंस बैटमैन वर्सेस सुपरमैन डॉन ऑफ जस्टिस जो 2016 में रिलीज हुई, उसमें इनका फर्स्ट अपीयरेंस था एंड उसके बाद इनकी मूवी बनाई। मूवी हिंदी में डब नहीं है और IMDb पे इसे 7.5 रेटिंग है। वंडर वुमन का रोल निभा रही है गाल गैडोट, आई होप मैंने सही से प्रोनाउंस किया है, और क्रिस पाइन। हम वंडर वुमन का पहले बैकग्राउंड देख लेंगे कि क्या रहता है एग्जैक्टली, फिर उसके बाद हम मूवी के बारे में बात करेंगे। सो लेट्स बिगिन। अमेज़ोनियन वुमेन वॉरियर, इनको जियोस ने मैनकाइंड को प्रोटेक्ट करने के लिए बनाया होता है। ये वॉरियर्स इमॉर्टल होते हैं, यानी कभी भी मर नहीं सकते, और इनको करीब करीब 3000 साल पहले क्रिएट किया हुआ था। इनकी रानी होती है क्वीन हिप्पोलिट, और यही वंडर वुमन की माँ भी होती है। ये सारे अमेज़न में रहते थे। हिप्पोलिट के पास एक मैजिकल ग्रिडल होता है जो उसे ग्रीक गॉड ऑफ वॉर यानी एरिस ने दिया होता है, लेकिन फिर डेमी गॉड हरक्यूलिस को ये मैजिकल ग्रिडल जो रहता है वो चुराना होता है क्वीन से। हरक्यूलिस ग्रीन पौराणिक कथाओं में एक महान योद्धा और नायक दिखाया है। वो अपनी अविश्वसनीय ताकत के लिए काफी प्रसिद्ध था। वो एक नॉर्मल महिला और गॉड ज्यूस का बेटा था। आगे हरक्यूलिस को ये ग्रिडल चुराना होता है, इसीलिए वो क्वीन हिप्पोलिट से ये क्रिडल चुराने आता है, लेकिन वो नहीं मानती ऑफ कोर्स। फिर वो उसे सिड्यूस करने लगता है, वो उसे अपने प्यार में फंसाता है और क्रिडल निकालने के लिए उसे ट्रिक करता है। अब वो सीन्स प्यार में होती है उसके, वो क्रिडल निकाल के रख देती है एंड वहीं पे ये वो क्रिडल चुरा लेता है। अब ये क्रिडल एक मैजिकल पावर रहता है जो अमेज़न में रहने वाले जो वॉरियर्स रहते हैं उनकी वो एक स्ट्रेंथ होती है, जो कि अब चोरी हो गया है, ये सब लोग कमजोर हुए रहते हैं। और इसीलिए जो अमेज़न की जो वॉरियर्स रहते हैं ये एफ्रोडाइट गॉडेस जो रहती है उनको प्रार्थना करने लगते हैं कि सिंस हमारी स्ट्रेंथ अभी नहीं है, हमारी रक्षा करो। इवेंचुअली एफ्रोडाइट गॉडेस उनको माफ कर देती है, लेकिन सजा के तौर पे उन्हें एक ब्रेसलेट पहनाया जाता है ताकि उन्हें हमेशा याद रहे कि एक आदमी के प्यार में पड़ने के कारण अमेज़न वासियों की जो ये औरतें रहती है उनको कितनी बड़ी कीमत चुकानी पड़ी। आगे उन्हें अमेज़न में रहना सेफ नहीं था क्योंकि ग्रिडल ऑलरेडी चोरी हुआ रहता है, इसीलिए ये लोग इस मॉर्टल वर्ल्ड यानी पृथ्वी पे आ जाते हैं। वहाँ पे एक पैराडाइज आइलैंड रहता है जिसे हम थेमिसिरा भी कहते हैं, वहाँ आके रहते हैं। ये एक सीक्रेट आइलैंड होता है और यहाँ किसी भी पुरुष का आना अलाउड नहीं होता। क्वीन हिप्पोलिट ने वंडर वुमन की मिट्टी से एक मूरत बनाई होती है और उसके बाद वो ग्रीक गॉड को काफी प्रे करते हैं और उसी के कारण इस मूर्ति में एक जान आ जाती है जो कि रहती है प्रिंसेस डायना यानी वंडर वुमन। ये कहानी थी और ओवरऑल बैकग्राउंड था वंडर वुमन वॉरियर्स का। अभी हम इस कहानी की तरफ बढ़ते हैं। मूवी शुरू हो जाती है और हम देखते हैं कि डायना आज के वक्त में पेरिस में होती है और उसे ब्रूस वेन के एंटरप्राइज के यहाँ से एक ब्रीफकेस रिसीव होता है जिसमें फोटो होता है जो कि वर्ल्ड वॉर वन यानी पहले महायुद्ध के वक्त का होता है और उसमें वंडर वुमन और उसके साथ कुछ और भी लोग होते हैं और ये फोटो खींचा हुआ रहता है और उसमें एक नोट होती है जिसमें ब्रूस ने लिखा होता है कि मुझे तुम्हारे पास्ट के बारे में जानना है। और फिर हम चले जाते हैं वंडर वुमन के पास्ट में, एग्जैक्टली उसकी अपब्रिंगिंग या फिर वो कैसे बड़ी हुई। हम जाते हैं पैराडाइज आइलैंड पे। डायना उस वक्त में 8 से 9 साल की रही होगी। वो क्वीन हिप्पोलिट की बेटी होती है। वो हिडन आइलैंड थेमिसिरा में ही बड़ी हुई होती है। सिंस ये सारी औरतें वॉरियर होती है, ये लोग हमेशा ट्रेनिंग ले रहे होते हैं लड़ाई करने की, तब उसे भी ट्रेनिंग में काफी लगाव होता है, लेकिन क्वीन उसे कभी भी ट्रेनिंग लेने के लिए मना करती है। उन्हें नहीं अच्छा लगता कि ये भी उस ट्रेनिंग में शामिल हो। और फिर क्वीन छोटी डायना को उनकी हिस्ट्री बताने लगती है कि कैसे ज्यूस ने मैनकाइंड को प्रोटेक्ट करने के लिए वंडर वुमन को बनाया था, और एरिस जो खुद इन गॉड्स में से एक गॉड होता है जो कि गॉड ऑफ वॉर, उसे मैनकाइंड और ह्यूमैनिटी से काफी नफरत होने लगी। उसे बस मैनकाइंड को यानी इंसानों को तबाह करना था। इंसानों को तबाह करने के लिए एरिस इंसानों के बीच में झगड़े लगा देता है, उनमें गुस्सा दिला देता है। एरिस के ये करने की वजह से इंसान आपस में ही झगड़ा करने लगते हैं, और उसके पहले इंसान हमेशा एक दूसरे से प्यार के साथ रहते थे। और जब बाकी के गॉड्स को ये बात पता चलती है तब उन्होंने उसको काफी रोकना चाहा, लेकिन वो सारे गॉड्स को मार डालता है सिवाय ज्यूस के। वो ज्यूस को नहीं मारता, उन दोनों में काफी लड़ाई होती है। जब ज्यूस को पता लगता है कि वो अपनी आखिरी सांसें गिन रहा है तब वो अपनी लास्ट पावर यूज करता है और एरिस को जख्मी कर देता है। इसके कारण एरिस को ये लड़ाई रोकनी पड़ती है और वो वहां से चला जाता है, लेकिन खुद ज्यूस काफी जख्मी हुआ रहता है और वो मरने ही वाला होता है। लेकिन मरने से पहले
पहले वो अमेजोन के इस आइलैंड पे अपना सबसे शक्तिशाली हथियार छुपा के रखता है इन वंडर वुमन वॉरियर्स के बीच में, ताकि जब भी कभी एरिस लौटेगा इंसानों को तबाह करने के लिए, तभी ये वॉरियर वो हथियार यूज करके एरिस को मार डालेंगे। ये सारी हिस्ट्री क्वीन डायना को बताती है, लेकिन फिर भी डायना को ट्रेनिंग लेनी ही रहती है। इसीलिए एंटियोप जो रहती है वो इन वॉरियर्स की जनरल कमांडर रहती है और वही सबको ट्रेनिंग दे रही होती है। वो क्वीन को कन्विंस करती है कि डायना का फेट यही है, उसे हमें ट्रेनिंग देनी ही पड़ेगी, क्योंकि आने वाले फ्यूचर में उसे एरिस को शायद फेस करना पड़ सकता है। क्वीन अपना ये फेट एक्सेप्ट करती है और अपनी छोटी डायना को ट्रेनिंग के लिए भेजती है। उसकी ट्रेनिंग वो काफी रिगरस और डिफिकल्ट करवाती है। जनरल एंटियोप ये दरअसल क्वीन की बहन और डायना की आंटी होती है और वो डायना को खास तरह की ट्रेनिंग प्रोवाइड कर रही होती है। हम देखते हैं डायना कुछ साल बाद बड़ी होती है और वो ट्रेनिंग में भी काफी एक्सपर्ट हुई रहती है। वो खुद अपने आंटी को एक लड़ाई में हराती है। एक दिन वो ऐसे ही माउंटेन के क्लिफ पे खड़ी होती है और उसे काफी कुछ दूर डिस्टेंस पे एक प्लेन काफी स्पीड से थेमिसिरा के बैरियर को क्रॉस करते हुए दिखता है, जिसके कारण जो इस आइलैंड को कवर करते हुए जो बैरियर होता है वो कमजोर हो जाता है। आगे वही प्लेन समुन्द्र में क्रैश हो जाता है। ये जब डायना देखती है तो वो खुद भी समुन्द्र में कूद जाती है और वो प्लेन तक पहुंचती है। उसे क्यूरियोसिटी रहती कि ये चीज क्या है, लेकिन तब हम देखते हैं उसमें स्टीव ट्रॉवर नाम का एक पायलट होता है और वो अंदर डूब रहा होता है। डायना उसे समुन्द्र के किनारे लेके आती है। वो पहली बार एक आदमी को देख के सरप्राइज होती है, लेकिन दोस्तों तभी जर्मन सोल्जर इसका पीछा करते हुए कई सारे प्लेन इस बैरियर को क्रॉस करते हैं और वो अंदर चले आते हैं। तब तक यहाँ पे अमेजोन्स के जो सारे वॉरियर्स रहते हैं वो भी आए हुए रहते हैं। ये सब लोग डायना और स्टीव को देखते हैं, इन सारे औरतों के ऊपर हमला कर देते हैं क्योंकि उन्होंने स्टीव को बचाया होता है, लेकिन उन्हें पता नहीं होता कि आखिरकार ये औरतें कौन है। ये सारे वॉरियर्स उनके ऊपर इतने भारी पड़ जाते हैं। यहाँ पे हम एक काफी अमेजिंग फाइट देखते हैं, काफी अच्छे स्टंट किए हुए हैं और सारे वंडो वॉरियर अपने एरो से इन सारे सोल्जर्स को खत्म कर देते हैं। लेकिन इसी बीच में सोल्जर डायना के ऊपर गन फायरिंग करने वाले होते हैं। ये जब डायना की आंटी देखती है तब वो लीप लेती है और वो शॉट अपने ऊपर लेती है, जिसके कारण वो गुजर जाती है। लेकिन जाते वक्त वो डायना को गॉड किलर यानी वही हथियार के बारे में बताती है जो कि असल में एक तलवार होती है। डायना को जब गॉड किलर के बारे में पता चलता है तो उसे अपने जीवन का मकसद पता चल जाता है कि उसे ह्यूमैनिटी को किसी भी हालत में बचाना है। जर्मनी की सेना तो सारी मर गई होती है, लेकिन स्टीव बचा हुआ होता है। उसे भी ये लोग मारने ही वाले होते हैं, लेकिन डायना उसे बचाती है। वे लोग उसे अपने आइलैंड पे लेके जाते हैं एंड उसका इंटरोगेशन करने लगते हैं। उसके ऊपर लेसो हेस्टिया डाल देते हैं ताकि वो क्या बोल रहा है, ये सच है या नहीं पता चले। तब हमें पता चलता है कि स्टीव ये एक स्पाई एजेंट था। वो जर्मनी के खिलाफ उन्हीं के कैंप में काम कर रहा था। वो वॉरियर्स को बताता है कि कैसे दुनिया में सारे लोग एक दूसरे के अगेंस्ट लड़ रहे हैं। जर्मनी सबसे पावरफुल है और उनका जनरल एरिच ल्यूडोर्फ और चीफ केमिस्ट इजाबेल मैरू ये दोनों भी एक ऐसा वेपन बना रहे हैं जिसके कारण पूरी दुनिया तबाह हो सकती है। जब उसे इस बात का पता चलता है तब वो डॉक्टर मारू की एक जो नोटबुक रहती है वो चुराता है एंड जर्मनी के कैंप से भाग जाता है फ्लाइट लेके, और वहीं से जब भाग रहा था तब वो इस आइलैंड पे आके गिरता है। ये सब कुछ सच होता है, ये उनको पता लगता है। ये कहानी सुनने के बाद डायना को लगने लगता है कि ये काम जरूर एरिस का होगा। वो लौट के तो आया है लेकिन ये डायरेक्टली अभी हमला नहीं कर रहा है। आगे वो इस आइलैंड को छोड़ने का फैसला करती है ताकि इस ह्यूमैनिटी को, इस जो वॉर चल रहा है उसे वो रोक सके। लेकिन यहाँ पे दोस्तों एक प्रॉब्लम होता है कि जैसे ही उसने मैजिकल आइलैंड के बाहर कदम रखा तो वो वापस यहाँ कभी भी नहीं आ सकती। लेकिन अपने गोल को पाने के लिए डायना बाहर निकलने का फैसला करती है। वॉरियर का जो आर्मर रहता है वो पहन लेती है, उसके साथ जो उसका टियारा होता है या फिर ये जो भी चीजें उसकी रहती है वो सब पहन लेती है। गॉड किलर की जो तलवार रहती है वो भी ले लेती है एंड वो स्टीव के साथ इस आइलैंड से निकल जाती है। लेकिन यहाँ पे क्वीन काफी डिस्टर्ब रहती है। वो उसे रोकने की तो कोशिश करती है लेकिन वो नहीं रुक। लेकिन क्वीन ने एक और सच्चाई डायना से छुपा के रखी होती है, उसकी रियल आइडेंटिटी कि वो आखिरकार है कौन। जी हाँ, अभी तक उसकी असली आइडेंटिटी छुपी हुई है। ये हमें मूवी के आखिरी में पता चलेगा कि डायना असल में कौन रहती है। स्टीव और प्रिंसेस डायना दोनों भी निकल जाते हैं और वे लोग स्टीव का जो हेडक्वार्टर रहता है लंदन वहाँ पे चले आते हैं। वहीं पे असल में वो काम कर रहा होता है। वो अपने सुप्रीम वॉर ऑफ काउंसिल की जगह जाता है जहाँ पे कई सारे बड़े बड़े लोग बैठे रहते हैं। ये लोग जर्मनी के खिलाफ लड़ रहे होते हैं।
हैं, तो वहाँ जाके उन्हें वो डॉक्टर मैरू जो रहती है उनकी वो नोटबुक दे देता है। तो यहाँ पे जर्मनी में उनका जनरल ल्यूडोफ जो होता है वो डॉक्टर मैरू के यहाँ पे आता है। और यहाँ पे फर्स्ट टाइम हम डॉक्टर मैरू को देखते हैं, वो अजीब दिखने वाली होती है, उसके चेहरे पे अपना एक मास्क लगाया होता है, वो उस पर काफी भड़का हुआ रहता है क्योंकि उसकी जो मेन सारी चीजें रहती है वो उसी डायरी में लिखी हुई होती है एंड अभी वो डायरी खो गई होती है। तो इसे ज्यादा वर्क लगने वाला होता है जो भी मिशन रहता है उसके लिए। वो जनरल को एक नया टाइप का गैस बताती है जिसके कारण जनरल अगर उसका सेवन करता है तो उसे वो काफी सुपर स्ट्रॉन्ग बनेगा। और उसी दौरान जब वो रिसर्च कर रही होती है तब उसे अपने टेबल पे कुछ दिखता है एंड उससे एक नया फॉर्मूला मिलता है जिसके कारण एक नया केमिकल या गैस बना सकती है और उसमें कई सारे लाखों संख्या में लोग मारे जा सकते हैं। ये कुछ चीज जनरल को भी बताती है। यहाँ डायना और स्टीव डायरी लेने के बाद सर पैट्रिक जो उनके रहते हैं काफी सीनियर रहते हैं उनसे जाके मिलते हैं। सर पैट्रिक जो है वो जर्मनी के साथ एक वॉर एग्रीमेंट बनाने वाले होते हैं कि उनकी जो भी शर्तें हैं वो पूरी की जा सकती है लेकिन ये वॉर उन्हें बंद करना है इसीलिए। लेकिन उसके पहले उन्हें ये डायरी डिकोड करनी रहती है। इस डायरी में सुमेरियन हस्ताक्षरों में काफी कुछ कोड लिखा रहता है। सुमेरियन जो लैंग्वेज है ये काफी हजारों साल पहले की लैंग्वेज थी तो इसके कारण इनको तो ये कोड डिकोड करने आता नहीं। तो डायना यहाँ पे हेल्प करती है एंड इस डायरी को बाकी लोगों के लिए डिकोड करवाती है। उससे उन्हें पता चलता है कि जनरल ल्यूडोफ और जो डॉक्टर मैरो रहती है इन्होंने एक हाइड्रोजन बेस गैस तैयार किया है जो वे लोग वेस्टर्न फ्रंट में रिलीज करने वाले हैं। वेस्टर्न फ्रंट एक जगह रहती थी जहाँ पे ये मेन वॉर जोन जो बोलते हैं ये वो जगह थी। तो यहाँ पे वो गैस ये लोग रिलीज करने वाले होते हैं और इसके कारण इनके काफी लाखों संख्या में सोल्जर्स अपने जगह पे ही मर जाएंगे। ये सुनने के बाद उस रूम में जितने भी लोग रहते हैं उनको शॉक लगता है कि ये इतना बड़ा जहरीला केमिकल एक तो इन लोगों ने कैसे बनाया एंड अगर बनाया तो भी इतना बुरा काम कैसे कर सकते हैं। काफी मीटिंग्स होती हैं उसके बाद जो सर पैट्रिक होते हैं वो ये फैसला करते हैं उनके काफी बड़े सोल्जर जो रहेंगे वो वहाँ पे वेस्टर्न फ्रंट पे भेजेंगे एंड इस रिलीज को रोकने की कोशिश करेंगे। आगे सर पैट्रिक एक सीक्रेट टीम बनाने के लिए बोलते हैं स्टीव को ताकि अगर इनके सोल्जर नाकामयाब रहे तो स्टीव और उसकी टीम इस एक्सप्लोजन को या गैस रिलीज को बचा सके। डायना जब इस गैस लीक के बारे में बताती है तब उसे रियलाइज होने लगता है, वो ये मानने लगती है कि जर्मनी का जो जनरल है ल्यूडोफ वही असल में एरिस गॉड रहेगा और वो इसी के जरिए ह्यूमैनिटी को बर्बाद करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन इस बात पे स्टीव नहीं मानता लेकिन फिर भी डायना की तसल्ली के लिए वो उसे वेस्टर्न फ्रंट लेके जाने के लिए तैयार हो जाता। लेकिन उसके पहले वो अपने टीममेट्स और जो सीक्रेट टीम रहती है उन लोगों से मिलवाता है जिसमें मास्कमैन चार्ली, समीर, स्मगलर चीफ नैपी ये सारे लोग इन्वॉल्व होते हैं। तो ये लोग स्टीव के दोस्त रहते हैं और अलग अलग मिशन में हमेशा उसकी मदद करते थे। आगे ये लोग वेस्टर्न फ्रंट पहुंच जाते हैं, वहां पे बड़ी भगदड़ मची हुई है, सारे गांव के लोग यहाँ वहाँ भाग रहे होते हैं क्योंकि जर्मन आर्मी उनके ऊपर हमला कर होती है। ये हालत देखकर डायना काफी परेशान हो जाती है क्योंकि अभी तक उसने एक नॉर्मल सिटीजन की तरह कपड़े पहने रहते हैं, वो एक जगह चली जाती है और वो कपड़े निकाल के अपने वॉरियर के जो कपड़े रहते हैं वो पहन लेती है और वो गेटअप लेके जिसमें वो खुद का टियारा हो या आर्मर हो ये सब कुछ पहन के चली आती है गांव वालों की मदद करने के लिए। दूर से जब जर्मनी की आर्मी देखते हैं कि कोई आ रहा है तो वो उसके ऊपर फायरिंग करने लगते हैं लेकिन वो अपने गॉगलेट से ये सारे जो गन फायरिंग रहती है वो रिडायरेक्ट कर देती है, उसे कुछ भी नहीं लगता। ये सब कुछ देख के स्टीव और उसके जो दोस्त रहते हैं वो काफी चौंक जाते हैं। वो स्टीव और बाकी लोग इवेंचुअली सारे जर्मन आर्मी जो रहती है उनको मार डालते हैं एंड ये जो गांव का डिस्ट्रक्शन होने वाला रहता है इन सब को डायना बचाती है। एक पूरा का पूरा गांव बच गया है ये देख के गांव वाले एक अलग सेलिब्रेशन करना शुरू कर देते हैं कि उनका घर बर्बाद नहीं हुआ इसीलिए। और इसी सेलिब्रेशन के बीच में दोस्तों वो फोटो खींचा जाता है जहाँ पे वंडर वुमन और बाकी के उसके दोस्त और स्टीव खड़े हैं। आगे हम देखते हैं कि स्टीव को पता लगता है कि जनरल ल्यूडोफ अगले दिन जर्मनी का एक बड़ा गाला होने वाला है, वो अटेंड करने के लिए आने वाला और ये बात वो सर पैट्रिक को बताते हैं लेकिन सर पैट्रिक उसे वहां जाने से मना करते हैं लेकिन स्टीव उनकी बात को इग्नोर करता है। इवेंचुअली उसे गाला में जाना होता है, ये बात वो डायना को बताता है लेकिन गाला ये बहुत ही प्रेस्टिजियस सेलिब्रेशन होता है जो सिर्फ अमीर और सोफिस्टिकेटेड लोगों के लिए है। इसीलिए सिर्फ स्टीव और डायना दोनों भी इस फंक्शन में जाने वाले होते हैं तो वे लोग डांस की प्रैक्टिस करने लगते हैं और इसी दौरान दोनों भी एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट होते हैं और एक रोमांटिकली किस करते हैं। अगले दिन ये टीम सीक्रेटली गाला पहुंच जाती है। स्टीव वहां पे जर्मन ऑफिसर होने का प्रिटेंड
करता है। समीर उसका ड्राइवर बना हुआ रहता है। अंदर जाने के बाद स्टीव डॉक्टर मैरू को देखता है। डॉक्टर मैरू से मिलने के बाद वो जानबूझ के उनसे कन्वर्सेशन शुरू करता है ताकि उसके प्लान के बारे में उसे पता चल सके, लेकिन वो उसे इग्नोर कर रही होती है। लेकिन तभी स्टीव की नजर डायना पे जाती है। डायना ने काफी रिच और सोफिस्टिकेटेड ब्लू ड्रेस पहना होता है और जो गॉड किलर तलवार रहती है वो भी उसने अपने पीछे छुपाई होती है। आगे वो ल्यूट्रोफ को देखती है और वो उसे मारने जाने ही वाली होती है, लेकिन पार्टी में इन लोगों का राज ना खुले कि ये लोग यूके के लोग हैं और अपोजिट पार्टी है, इसीलिए स्टीव उसे रोक लेता है। लेकिन तभी ल्यूट्रोफ के प्लान के अकॉर्डिंग वो इस पार्टी में गैस का पहला बम जो रहता है वो एक शहर पे उड़ाने वाला रहता है और इसी के लिए ये फंक्शन किया रहता है। ये इन लोगों को पता नहीं होता और थोड़ी देर बाद अकॉर्डिंग टू प्लान जनरल गैस का पहला बॉम्ब दूर किसी गांव में लॉन्च कर देते हैं एंड वहां के सारे लोग मर जाते हैं और यहां पे पार्टी में जितने भी जर्मन्स रहते हैं वो एकदम सेलिब्रेट करने लगते हैं। ये देख के डायना काफी गुस्सा हो जाती है। वो उस गैला से निकल जाती है और उस गांव में पहुंचती है, लेकिन तब तक काफी देर हुई होती है, सारे लोग मर गए होते हैं। स्टीव और उसकी टीम भी वहां पे पहुंचती है और वो स्टीव पे काफी गुस्सा रहती है क्योंकि उसी ने उसे रोका था और उसी का नतीजा आज इतने सारे लोग मर गए हैं। स्टीव और डायना को पता लगता है कि जर्मनी का अगला हमला लंदन पे होने वाला है और वहां पे कई सारे बॉम्ब ये लोग गिराने वाले हैं। उसके लिए ये लोग एक विमान का उपयोग करेंगे एंड ऊपर से ही ये सारे गैस के बड़े बड़े बॉम्ब गिराने वाले हैं। तो डायना और स्टीव उन्हीं के एयरबेस में चले जाते हैं जहाँ पे जर्मनी की आर्मी ये सारे बॉम्ब गिराने की तैयारी कर रही होते हैं। वहीं पे ल्यूट्रोफ और डॉक्टर मैरू भी रहती है। डायना ल्यूट्रोफ को पीछा करती है और वहीं पे वो कई सारे जर्मनी आर्मी को मार देती है, लेकिन तभी उसी वक्त ल्यूट्रोफ ने डॉक्टर मैरू का जो शक्तिशाली होने का गैस रहता है उसका सेवन किया रहता है, उसमें काफी सारी स्ट्रेंथ आ जाती है। डायना उसके ऊपर हमला कर देती है और दोनों एक दूसरे को भारी टक्कर देते हैं। सिंस यही एरिस होता है तो डायना को लगता है कि ये तो इतना पावरफुल होना ही है क्योंकि ये गॉड ऑफ वॉर है तो ये लड़ाई होना ऑब्वियस है। लेकिन फिर काफी झूझने के बाद लड़ाई में डायना अपना गॉड किलर निकालती है एंड ल्यूट्रोफ को वहीं पे मार देती है और फाइनली वो खुश हो जाती है कि ये वॉर ओवर हो गया है। अब इस गॉड ने जो भी श्राप दिया था कि लोग करप्टेड हो गए हैं, कि माइंड पे गुस्सा है काफी इसके लिए लड़ रहे हैं, ये सब चक्कर बंद हो जाएगा। लेकिन फिर उसकी नजर जर्मनी के सोल्जर्स पे जाती है जो अभी भी बॉम्बर प्लेन में ये सारे गैस के बम भर रहे होते हैं। स्टीव और डायना दोनों भी कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि एरिस यानी ल्यूट्रोफ को तो इसने मार दिया है तो ये वॉर ओवर हो जाना चाहिए, उसका जो श्राप रहता है इंसानों को दिया हुआ वो खत्म हो जाना चाहिए था। तो स्टीव डायना को समझाता है कि शायद ये एरिस का वॉर था ही नहीं, ये इंसान ही पागल है और आपस में लड़ रहे हैं, यहाँ पे कोई गॉड का इन्वॉल्वमेंट नहीं होगा। तो डायना वापस निराश होके ल्यूट्रोफ के ऑफिस में चली जाती है कुछ चीजें देखने के लिए। लेकिन दोस्तों तभी वहाँ पे उसे सर पैट्रिक दिखते हैं जो कि असल में स्टीव के काफी टॉप के बॉस होते हैं। वो उन्हें देख के काफी सरप्राइज हो जाती है, वो बोलती है कि आप जर्मनी के एयरबेस में क्या कर रहे हैं। अब वहाँ पे वो कन्फ्रंट करता है कि वो खुद एरिस है यानी गॉड ऑफ वॉर। वो सीक्रेटली ल्यूट्रोफ और डॉक्टर मेरू को इन्फ्लुएंस कर रहा था, अलग अलग केमिकल फॉर्मूलाज की आइडिया दे रहा था और उनके जरिए अपना मकसद पूरा कर रहा था। इसी ने इन लोगों को एक दूसरे के खिलाफ भड़काया है, ये नफरत पैदा की, ये सबको श्राप दिया है एंड वो एंग्री बन गए हैं, गुस्सा हो गए हैं एंड इवेंचुअली ये वर्ल्ड वॉर वन शुरू हुआ। आगे वो डायना को उसकी सच्चाई बताता है जो क्वीन ने उसे छुपा के रखी थी। वो हंस के बोलता है कि ज्यूस जो कॉर्ड था और उसने अपना असली हथियार जो वॉरियर्स को दिया था वो ये तलवार नहीं है, वो रियल वेपन तुम खुद हो यानी गॉड ऑफ किलर तुम हो, तुम्ही में जान डालकर तुमको ही हथियार बनाया गया था। ये सुनते ही डायना भी काफी शॉक हो जाती है क्योंकि उसके माँ ने उसे इतने सारे सीक्रेट्स एंड हिस्ट्री बताई होती है बट ये एक चीज वो बता के नहीं रखती क्योंकि उसे डायना को प्रोटेक्ट करना होता है। इसीलिए एरिस उसे कहता है कि मैं वॉर ऑफ गॉड हूँ, मैं इवेंचुअली अगर तुम मुझसे लड़ोगे तो जीतना तो मुझे ही है, तो उससे बेटर तुम खुद मेरे साथ शामिल हो जाओ और हम दोनों इस ह्यूमैनिटी को नष्ट कर देंगे। लेकिन डायना इस बात से रिफ्यूज कर देती है और फिर दोनों की भी बहुत बड़ी लड़ाई शुरू हो जाती है। यहाँ स्टीव और उसकी टीम जर्मन आर्मी से छुप कर उस बॉम्बर जो प्लेन रहता है उसको उड़ाने का सोचते हैं, लेकिन वो यहाँ नॉर्मल जगह पे नहीं उड़ा सकते क्योंकि उसमें जो बॉम्ब रहते हैं वो काफी जहरीले होते हैं, तो करीब करीब 50 माइल्स दूर इन लोगों को इसे ब्लास्ट करना होगा ताकि किसी को भी नुकसान ना हो। ये लोग फिर प्लान करते हैं कि इस प्लेन को हम हाईजैक करते हैं, काफी ऊपर लेके जाते हैं और वहां पे इस प्लेन को ब्लास्ट कर देंगे। लेकिन इस प्लेन को
हाईजैक करना और इसको उड़ाना, यानी इसमें स्टीव की जान भी जा सकती थी। तो यहाँ दूसरी जगह डायना और एरिस की फाइट शुरू होती है, लेकिन इसी बीच में प्लेन को हाईजैक करने से पहले स्टीव डायना से मिलता है और क्विकली उसे अपने पिता की घड़ी देता है, क्योंकि उस घड़ी को लेके डायना काफी ह्यूबरिस रहती है। वहां से फिर उसके कान में कुछ वो बोलता है एंड वहां से निकल जाता है। वो बॉम्बर प्लेन को हाईजैक करता है और वहां से उसे काफी ऊपर उड़ा के लेके जाता है। जो प्लेन के अंदर कई सारे बॉम्ब रहते हैं उनको कुछ वक्त सोचने के बाद गन से उड़ा देता है और दोस्तों इसी के कारण वो खुद का सैक्रिफाइस देके लोगों की जान बचाता है। डायना को इस प्लान के बारे में पता नहीं होता। उसे जब पता चलता है कि इसने प्लेन हाईजैक किया है और उसमें वो गुजर गया है, तब वो काफी गुस्सा हो जाती है और गुस्से में वो काफी जोर से चिल्लाती है और वो जोरों से एरिस के ऊपर हमला करने लगती है। एरिस डॉक्टर मेरू को सामने लाता है और उसे उसको मारने के लिए बोलता है, लेकिन डायना किसी इनोसेंट की जान नहीं ले सकती थी। और अपना गुस्सा शांत करते करते डायना को याद आता है कि स्टीव ने उसके कान में क्या बोला था। उसने कहा था कि हमेशा प्यार के रास्ते पे चलना और मैं तुमसे प्यार करता, इसीलिए वो डॉक्टर मेरू को मारती नहीं है, वहां से जाने देती है। लेकिन इसी दरमियान एरिस काफी बड़ी मात्रा में एक एनर्जी ब्लास्ट डायना के ऊपर छोड़ देता है, लेकिन डायना अपने गॉन्गलेट से उस पूरे एनर्जी को अब्सॉर्ब करती है और उसे उसी के डायरेक्शन में वापस फेंकती है। इसके कारण ये सारी एनर्जी वापस एरिस के पास आती है और वो खुद ही अपने एनर्जी के कारण डिस्ट्रॉय हो जाता है और फाइनली एरिस मर जाता है। और दोस्तों जैसे ही वो मरता है, सारे लोग इस जो करप्शन और बुरे विचार रहते हैं उनसे बाहर निकल आते हैं और अपने आप लड़ना बंद कर देते हैं। कुछ दिन बाद ये सब जगह सेलिब्रेशन चल रहा होता है कि ये इतना बड़ा वॉर खत्म हो गया है। तो दोस्तों ये थी वंडर वुमन की कहानी। ये सब कुछ डायना रिकलेक्ट करती है और फिर वो ब्रूस को एक मैसेज लिखती है कि वो थैंकफुल है इस इमेज के लिए जो उसने उसे लौटाई है, और इसी तरीके से वो ह्यूमैनिटी के रक्षा के लिए अपना जीवन समर्पित करती है। और सिंस अभी मैं सोच रही हूँ, इस वर्ल्ड वॉर वन को इन्होंने इस डायरेक्शन में मोड़ दिया है कि ये गॉड्स का झगड़ा होता है जिसके कारण ह्यूमैनिटी करप्ट होती है, ये सब कुछ ये हमें सोचने पे मजबूर कर देता है कि सच्ची में जो आजकल इतने वॉर्स हो रहे हैं, लड़ाई हो रही है, क्या ये सच में किसी ने ह्यूमैनिटी को श्राप दिया है इसके कारण हो रहा है? आपको क्या लगता है मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। बाय बाय, हैव अ नाइस डे।